Hello guys, welcome to a new video. My name is The Gentleman. Gentleman. So today I'm gonna talk about a gaming franchise which is most probably the one of the best gaming franchise of our time. So if you have played this game, you might be thinking ki Assassin's Creed iske bare mein baat karne ka kya zarurat, kisne ye game nahi khela? Then you are not totally wrong. तो लास्ट डे मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे क्लास में कुछ बंदे हैं, उनमें से कुछ फीफा खेलते हैं तो कुछ FPS गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो उनको Assassin's Creed खेलना ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू देम Assassin's Creed एक बहुत ही लेंदी गेम है और काफ़ी स्टेल्थ है, उसमें उतना एक्शन नहीं है, सो दे जस्ट डोंट वांट टू प्ले इट. कुछ बंदों ने ट्राई किया लेकिन थोड़ा देर खेलने के बाद, उसका हार्डनेस देखने के बाद, फिर दे गेव अप ऑन इट. सो आई थॉट ओके कूल, let's make a video about the story of the game. So the first Assassin's Creed game that I played was Assassin's Creed 3. तो the first Assassin's Creed के बारे में, Assassin's Creed 3 के बारे में मैं यही बोल सकता हूँ as कि वो मेरा खेला हुआ पहला Assassin's Creed था. It was mind-boggling. It was so amazing कि वो खेलने के बाद मैंने decide किया कि चलो अब सब Assassin's Creed के part खेल डालते हैं. So इस game के कुछ 10 parts हैं. And obviously it's impossible to talk about all the parts in detail. What I'm gonna do is give you a basic idea of what Assassin's Creed is. So the plot revolves around two groups, Assassins and Templars. Ek achha to ek bura. But it's not that simple. But this game is all about Assassins. Matlab obviously this game ke heroes hain Assassins and Templars hain villains. To Assassins believe karte hain ki peace aa sakta hai, shanti through freedom. Matlab azadi de do to shanti kayam rahegi. लेकिन टेम्पलर्स बिलीव करते हैं कि शांति तभी आ सकती है अगर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर तुम रूल करोगे तो. मतलब टेम्पलर्स बेसिकली राजा महाराजा और गवर्नमेंट ऐसा कुछ है कि रूल करके तुम शांति कायम रखो. तो तुम हो असासिन्स, तुम्हारा काम यह है कि सोसाइटी में जो खराब कर रहा है, जो हरामी है, जो कुत्ता है, उसको जाओ और मर्डर करके बेसिकली अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो. तो ये बेसिकली टोटल गेम का प्लॉट है. फिर तो तुम ये बोलोगे कि डूड अगर ये प्लॉट है तो फिर प्लॉट काफ़ी बोरिंग है. तो ये एक्चुअली में प्लॉट नहीं है, इट्स बेसिकली एन आउटलाइन. प्लॉट है काफ़ी कूल. प्लॉट कुछ ऐसा होता है कि कोई डिफरेंट टाइम पे एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको कोई सेम स्टोरी दिखाया जाता है जो हिस्ट्री में एक्चुअली में हुआ है. फॉर एग्जांपल फ्रांस में जो रेनेसान हुआ था उसका स्टोरी तुमको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का मिलेगा, एक राजा के पॉइंट ऑफ व्यू जो एक्चुअली में असासिन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको इस रेनेसांस का स्टोरी देखने को मिलेगा. एंड फिर यूएसए का फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था वो भी तुमको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा. लाइक तुम ही वो असासिन होगे जो यूएसए को फ्रीडम में पीछे से हेल्प करेगा, बींग इन डिसगाइज, जॉर्ज वाशिंगटन के पास खड़े होके अमेरिका को फ्रीडम दिलाने में हेल्प करना. गेम खेलने के बाद तुमको कुछ ऐसा ही फील होगा कि रियलिटी में तुम्हें ने अमेरिका को फ्रीडम दिलाने में हेल्प किया है. इस गेम में असासिन और टेम्पलर का जो सीन है ये इतना सिंपल नहीं है. इट्स इन असासिन्स क्रीड 3 आई गेस जब पता लगता है कि असासिन और टेम्पलर का जो सीन है ये एक्चुअली बहुत पुराना सीन है. मतलब इंसान के आने से भी पुराना है ये. एंड इस गेम के स्टोरी के थ्रू गॉड और हेवन इन सब के बारे में भी थोड़ा अलग तरीके, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया गया. लाइक लेट मी रियली ट्राई टू एक्सप्लेन ओके. तो कुछ ऐसा होता है, अकॉर्डिंग टू गेम अपने क्रिएशन के पहले भी अर्थ जैसे प्लेनेट पे, मतलब अर्थ ही में इंसान रहते थे. ओके देवर सो एडवांस, देवर वेरी एडवांस, और उनका टेक्नोलॉजी कुछ अलग था. अपना टेक्नोलॉजी जैसे होता है लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक्स ऐसे होता है ना, तो उनका टेक्नोलॉजी थोड़ा ऐसे है कि पिरामिड्स, बिग बिल्डिंग्स, बिग स्ट्रक्चर्स, ये सब थे उनके टेक्नोलॉजीज, है ना. तो क्या होता है ड्यूरिंग एक्सटिंक्शन, मतलब कि अर्थ में आके मीटियोर गिरे थे तो पूरा पुराना जो पॉपुलेशन है वो वाइप आउट हो गया था. दो इंसान उन्होंने अपना जो, मतलब अपना जो सोल है, अपना मेमोरी, अपना कॉन्शियसनेस है एक बड़े से सुपर कंप्यूटर जैसे स्ट्रक्चर पे रिकॉर्ड करके मर गए थे कि आके बाद में उनको कोई रिवाइव करे. तो असासिन्स क्रीड में तुम असासिन रहते हो जो कि वही करेगा उनको रिवाइव, उनको मतलब फिर से जिंदा करना और उनसे इन्फॉर्मेशन लेना कि एक्चुअली अभी करना क्या है. और तुम ये सब क्यों करते हो, तुम ये सब इसलिए करते हो कि
अभी फिर से अर्थ में एक्सटिंक्शन आने वाला है, अर्थ पे आके मीटियोर गिरने वाला है और फिर से सारा पॉपुलेशन वाइप आउट होने वाला है। तुमको उसको रोकना है, इसीलिए तुम उनके पास जाते हो फॉर सोल्यूशन एंड यू आर बेसिकली एन असैसिन। ओके, स्टोरी कुछ ऐसा रहता है कि जब बाद में ये पता लगता है एक्चुअली, तो वो रिवाइव करने के बाद वो तुमको ये स्टोरी बताते हैं कि ऐसा होता है कि अर्थ में मीटियोर गिरने के बाद एक ग्रुप ऑफ पीपल वो नहीं मरते हैं, वो बच जाते हैं, लेकिन सारा टेक्नोलॉजी, सारा साइंस, सारा इंफॉर्मेशन सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उन्हीं में से एक आदमी रहता है जिनको सब फॉलो करता है गांव में, जो हेल्प करता है, मतलब थोड़ा वो रहता है कि विलेज हेड टाइप, है ना। और फिर बाद में टाइम पास हो जाता है और वो रहते हैं सबके गॉडफादर। तो बाद में टाइम तो पास होते जाता है और इंसान है, इंसान का एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद इंसान को मरना होता है। तो क्या होता है कि सब वैसे ही मर जाते हैं। 10 साल बाद वो आदमी बन जाता है गुरु, 100 साल बाद वो आदमी बन जाता है भगवान, 1000 साल बाद वो आदमी बन जाता है एक रीजन जिसके ऊपर फिर से इंसान फाइट कर सके। नाउ यू गेट इट नो, जैसे कि जीसस क्राइस्ट के ऊपर एक टाइम बहुत फाइट हुआ था, रिलीजियस इश्यूज के ऊपर फाइट हुआ था, वैसे ही कुछ उन्हीं चीज़ों को इंडिकेट करना चाहता है इस गेम का प्लॉट। सो या इन द एंड यू एंड अप सेविंग द वर्ल्ड, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। तुम दोनों से मिलते हो, असासिन्स के लीडर से भी और टेम्पलर्स के लीडर्स। तो असासिन्स का लीडर ये बोलता है तुमको कि तुमको वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो अर्थ को एक नया बिगिनिंग मिलेगा और वो भी बेटर होगा। और टेम्पलर का लीडर तुमको ये बोलता है कि शी विल सेव द वर्ल्ड, बट उसके बदले तुमको उसको रिवाइव करना पड़ेगा। और उसके आइडियोलॉजी तो तुमको पता ही है, उसके आइडियोलॉजी ये है कि उसको लोगों के ऊपर रूल करना है, रूल नॉट इन अ बैड वे, रूल मतलब ऐसा कि थोड़ा लाइक ए गवर्नमेंट रूल। तो या यही है गेम का मेन प्लॉट, मेन स्टोरी, और इसी के अराउंड टोटल गेम रिवॉल्व करता है, हर एक पार्ट, हर एक कुछ। तो अप टू असासिन्स क्रीड 3 ये इस बड़े स्टोरी को बोलने के लिए गेम को रेडी करते हैं। एंड असासिन्स क्रीड में जो होता है वो है मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय, तुम अपना लाइफ दे दोगे टू रिवाइव दैट लीडर। और असासिन्स क्रीड 3 के बाद क्या होगा कि आफ्टर मैथ ऑफ द इंसिडेंट्स, इसके बाद क्या होना है। और उसके बाद मुझको फील होता है कि कहीं ना कहीं गेम के स्टोरी को जबरदस्ती खींचा जा रहा है, लेकिन इट्स गुड, खेलने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। सो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद माई स्टोरी, मतलब और गेम खेलने का मन नहीं है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर तुमको लगता है कि इफ यू वांट टू प्ले दिस गेम, देन दैट वुड बी रियली ऑसम। मुझसे पूछोगे ये गेम खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, आई वुड से हेल या गो फॉर इट, जरूर खेलो यार, एक बार तो खेलना ही चाहिए, बनता है यार। एंड मेरे लिए भी अगर कुछ गेम का सजेशन हो तो देन ड्रॉप डाउन ऑन द कमेंट्स, कमेंट सेक्शन पे जाओ यार, लिखो कौन सा गेम मुझे खेलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो यार, और अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया तो लाइक बटन पे, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक बटन पे क्लिक करके दूसरा वीडियो चेक करो, एंड आई गारंटी यू कि जरूर पसंद आएगा। और क्या पसंद नहीं आया वो कमेंट सेक्शन पे लिखना मत छोड़ो, अगर पसंद आया तो भी लिखो कि क्या कमी है वीडियो में। आई एम न्यू यूट्यूबर, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। ओके, बाय बाय।